शिमला है, ये कह रहे हैं हमारी खिलौने की दुकान है और म्यूजिक वाले खिलौने भी हमने रखे हुए हैं, और कस्टमर आता है तो उसको चेक करवाना पड़ता है, तो चेक करवाने के कैसा है और इसकी खरीदो प्रयोग करना कैसा है, इसकी आमदनी क्या हराम है, ये सब करना। म्यूजिक नाजायज़ है, ये मसला है शरई जो है वो हर दीनदार आदमी जानता है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसे शैतान की आवाज़ करार दिया और इसे नापसंदीदा आवाज़ों में से करार दिया और कुर्बे क़यामत की निशानियों में से करार दिया कि लोग मजामीर को और माज़िफ को हलाल समझेंगे। तो लिहाजा इसका जो अदम जवाज़ है वो वाज़ेह है। अब ये है कि बेचने के लिए म्यूज़िक सुनाते हैं तो ये सुनाना भी गुनाह है कि जब म्यूज़िक चलाएंगे तो जो सुनेगा उसके सुनने में ये मुआवनत है और गुनाह पर मदद करना ये जायज़ नहीं है। कुरान मजीद की आयत मुबारक है, फरमाया वला तआवनू अलल इस्मी वल उदवान, और गुनाह और ज्यादती के कामों पर एक दूसरे की मदद ना करो। तो लिहाजा ये सुनाना भी गुनाह पे मदद है और ऐसे खिलौनों का बेचना भी गुनाहों पे मदद है, लिहाजा इसके बेचने की भी इजाज़त नहीं है।